सर मैं अभी फ़िलहाल में फाइनल ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हूँ मेरा सेवन सेमेस्टर चालू है तो मैं काफ़ी चीज़ें सर्च कर रहा था तो मेरे को ये मेरे को एक प्रॉब्लम दिखी कि काफ़ी ऑर्गेनिक ग्रोथ हो रही है सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे जैसा काफ़ी लोग फूड ब्लॉगर वगैरह होते हैं जो प्रमोट कर रहे हैं लोकल स्ट्रीट वेंडर्स को तो क्यों ना मैं यही सेम चीज़ होटल वालों के लिए करूँ होटल वाले अपना इंस्टाग्राम पे पेज तो बना नहीं सकते उन लोग के पास में इतना टाइम नहीं है मैं उन लोग को ऑप्टिमाइजेशन खुद करूँ सोशल मीडिया पे जैसा फेसबुक इंस्टाग्राम एंड गूगल माई बिजनेस पे और मैं उन लोग को एक कंटिन्यूस अल्टरनेट डे पे एक डे के गैप के ऊपर मैं उन लोग को एक पोस्ट डिज़ाइन करके अपलोड करूँ उनके होटल के लिए और एक तीन दो या तीन पैकेज डिफरेंट डिफरेंट चार्ज करूँ मैं होटल वालों से कि इस पैकेज में ये ये है इस पैकेज में ये है इस पैकेज में ये है में ये जो आप अभी सोच रहे हो ना इसमें एक छोटा सा फ्लॉ है पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस में वो क्या है कि अभी आप ये सोच रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ सबसे पहले आपको ये समझना है कि होटल वाले क्या चाहते हैं जैसे जब आपने जा करके कुछ होटल वालों से बात करी होगी अपने इस आइडिया के बारे में तो उनका क्या रिएक्शन था वो क्या बोलते हैं सर वो लोग इस चीज़ के बारे में इतना अवेयर नहीं है वो लोग बोलते इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा वो लोग बोलते हैं कि हमको एक वेबसाइट चाहिए जहाँ पे हमारा पास कस्टमर आके ऑनलाइन बुकिंग कर सके ये सोशल मीडिया और मार्केटिंग वगैरह उन लोग को समझ में नहीं आती है देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो हम सबके लिए समझनी बहुत जरूरी है जब भी हम किसी बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं होता है उस थॉट के ऊपर हमें डाउट होता है फिर लेकिन अगर कई दिनों तक कई महीनों तक हम उस आइडिया के बारे में सोचने लग जाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आने लग जाता है कि आइडिया बढ़िया है मतलब हुआ क्या जैसे एक झूठ को भी अगर आप बार 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 सुनते जाओगे अपने माइंड में बोलते जाओगे बोलते जाओगे तो वो झूठ कब सच हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा ये हर वो इंसान समझता है जो ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता है यानी कि मैं क्या कह रहा हूं कि हम क्या गड़बड़ करते हैं बिजनेस में कोई आइडिया आता है हमारे माइंड में उसके बारे में हम सोचने लग जाते हैं और जितना सोचते हैं उस आइडिया से रिलेटेड और आइडियाज आते हैं फिर धीरे धीरे हमको लगने लग जाता है कि इस आइडिया से बहुत पैसा कमाया जा सकता है यह सब बकवास है किसी काम का नहीं है बिकॉज ग्राउंड रियालिटी इससे बिल्कुल ही अलग है मतलब एक दुनिया है जो हमारे माइंड के अंदर चल रही है एक है जो एक्चुअल में चल रही है वो एक्चुअल दुनिया को समझने के लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा जब आप मार्केट में जाओगे तब आपको समझ आएगा कि मार्केट क्या चाहती है यानी जो आपका कस्टमर है वो क्या चाहता है वो क्या कह रहा है उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जो हो सकता है उससे बहुत अलग हो जैसा आप सोच रहे हो तो जो आपने अभी तक कहा अगर उसी में से एक क्लू को निकाला जाए तो कस्टमर यह बोल रहा है कि हमें ये सब नहीं चाहिए हमें तो एक वेबसाइट चाहिए उसमें से भी क्या है बहुत सारे होटल्स तो कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ में एसोसिएट हो गए हैं तो वो तो उनके प्लेटफॉर्म के थ्रू चल रहे हैं कुछ है जो अभी भी इंडिपेंडेंट है वही आपका टारगेट है उनकी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें एक वेबसाइट चाहिए जहां पे कि हमारे होटल की पूरी इंफॉर्मेशन हो और जहां से लोग बुकिंग कर सके दिस इज वॉट दे वॉन्ट स्टार्ट विद इससे क्या बेनिफिट हो रहा है आपको एक ओपनिंग मिल रही है आप अभी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो yes. राइट तो आपके पास में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो उस होटल ओनर के पास में नहीं है वो क्या है आपको टेक की नॉलेज है होटल वाले की एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है है उसको उसको खुद भी नहीं पता है। उसको चाहिए या तो कोई एग्रीगेटर जहां से उसको बिजनेस मिले सिर्फ वेबसाइट से क्या होगा वेबसाइट तो अरबों खरबों है अगर उसने बना भी ली तो किसको पता है कि उसकी एक वेबसाइट है तो उसकी प्रॉब्लम है डिस्कवरेबिलिटी तो पहले स्टेप में उनको वो दो जो वो चाहते हैं उससे क्या हुआ एक रिलेशन बना अब वो देना आपके लिए बड़ी बात नहीं है उसके लिए बहुत बड़ी बात है उनको बोलो सर ये हो जाएगा लेकिन इसमें जो टोटल खर्चा है वो करीबन एक डेढ़ लाख रुपए का है लेकिन हम क्या करेंगे हम अभी आपसे एक रुपए भी नहीं लेंगे इस पूरे प्लेटफॉर्म को हम मैनेज करेंगे आपका जो ऑनलाइन पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म बनेगा आपकी जो भी ऑनलाइन सेल्स होगी वो सारा कुछ हम मैनेज करेंगे उसमें से परसेंट हमारा नाइन्टी परसेंट आपका उस दस परसेंट में हम सब कुछ करेंगे आपके लिए मार्केटिंग भी करेंगे आपकी लिस्टिंग भी करेंगे आपकी वेबसाइट से भी ट्रैफिक लेकर के आएंगे अब कैसे लाएंगे वो ज्यादा उसको मत बताओ नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा प्रॉब्लम सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं है क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग को आप खुद भी क्रैक नहीं कर सकते बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं बट वॉट इट मीन देखो या तो आपके पास में डिस्ट्रीब्यूशन हो

जब तक उनके पेज में फॉलोअर्स नहीं होंगे तब तक, तक उसमें एंगेजमेंट नहीं होगा जब तक एंगेजमेंट नहीं होगा तब तक फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे आप समझ रहे हो प्रॉब्लम yes, कि आप तो अपनी तरफ से पोस्ट डालते चले जा रहे हो उस पोस्ट पे एक लाइक आ रहा है दो लाइक आ रहा है वो भी कौन कर रहा है आप खुद ही कर रहे हो बैठ करके या वो बंदा कर रहा है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग इज नॉट अ सोल्यूशन उससे आप उसका बिजनेस कैसे बढ़ाओगे लेकिन सर जो कमीशन बेस्ड है तो फिर ओयो भी तो सेम करता है ना सर नहीं बहुत फर्क है ओयो क्या करता है ओयो बेसिकली एक होटल को पूरा रीब्रांड करता है और उसको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर लेकर के आता है और उसकी सारी बुकिंग्स को मैनेज करता है यानी उसके लिए बिजनेस जनरेट करने से लेकर के फिर जो कस्टमर आया उसके एक्सपीरियंस से लेकर के फिर जब वो कस्टमर चला गया उसके फीडबैक से लेकर के और ये देखना कि सब कुछ उनका अपना एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग वो हो रहा है काम या नहीं हो रहा है यानी कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है नहीं हो रहा है आप इस सब में नहीं घुस रहे है. मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो ध्यान से समझो तो आपको समझ आ जाएगा क्या है कस्टमर कह रहा है मेरे को वेबसाइट चाहिए जहां से ये सब हो जाए अंदर की बात क्या है उससे कुछ नहीं होने वाला वेबसाइट बन भी गई ट्राफिक जहां ट्राफिक से की बुकिंग हो सकती है अरे उस वेबसाइट पर ट्रैफिक कहां से आएगा और ट्रैफिक आ भी गया तो उस वेबसाइट पर ट्रस्ट कौन करेगा <laughs> समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं आप में से कितने हैं जो जाकर के किसी होटल की वेबसाइट के थ्रू एक ऐसा होटल जिसके बारे में आपने सुना ही नहीं है वहां से बुकिंग कराओगे या तो आप किसी बड़े ब्रांड के थ्रू कराओगे या किसी बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू कराओगे तो आप क्या करोगे ये जो मार्केट प्लेसेस हैं जहां पर कि होटल्स लिस्टेड हैं वहां पर उनको लिस्ट करोगे और इसका कंट्रोल अपने हाथ में रखोगे उनको नहीं दोगे तो आपने उनको क्या बोला आपको क्या चाहिए वेबसाइट चाहिए हो जाएगी वेबसाइट से बुकिंग करनी है हो जाएगा ट्रैफिक चाहिए हो जाएगा बोलो आप जो बिजनेस कर रहे हो तो कर ही रहे हो उस पर हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन हम क्या करेंगे हम आपकी वेबसाइट बनाएंगे वहां पे ट्रैफिक लेकर आएंगे एकदम से बुकिंग आ जाएगी अंदर की बात क्या है उससे नहीं आने वाली yeah, yeah, yeah. उसके लिए मार्केटिंग में बहुत पैसा लगाना पड़ेगा तब भी नहीं आएगी क्योंकि डायरेक्ट वेबसाइट से तो कोई आएगा ही नहीं ना कितने ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आप जाकर डायरेक्टली एक वेबसाइट से खरीदते हो वो भी एक ऐसे ब्रांड की जिसका नाम आपने सुना ही नहीं है या फिर उसको एक मार्केट प्लेस के थ्रू खरीदते हो मार्केट प्लेस के थ्रू मार्केट प्लेस के थ्रू समझ आ गई बात बट ये बात समझाने की जरूरत नहीं है क्लाइंट को उसको बोलो हम आपकी सारी वेबसाइट्स बनाएंगे एक वेबसाइट से काम नहीं होगा आपकी पांच दस वेबसाइट्स बनेंगी वो सारा करके जो ओवरऑल खर्चा होगा बल्कि और बढ़ा भी सकते हो डेढ़ लाख की बजाय क्योंकि लेना तो है नहीं तो जब बोलना ही है तो बड़ा अमाउंट बोलो ना बोलो उसमें पांच से दस लाख रुपए का खर्चा होगा लेकिन हम आपसे एक रुपये भी नहीं ले रहे हैं बिजनेस आएगा एडिशनल उसके ऊपर दस परसेंट देना है ये एग्रीमेंट हमारा साइन हो जाएगा देखो ध्यान से समझना एक होता है एक वेबसाइट बनाना जीरो से वो बहुत भारी काम है एक होता है ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो होटल इंडस्ट्री के लिए हैं जहां पर प्लग एंड प्ले होता है उनको यूज करके उन्हीं के होटल के नाम से आप एक डोमेन बुक करोगे और एक पूरी की पूरी वेबसाइट एक दिन में तैयार हो जाएगी जो वैसे आप बनाने बैठ गए तो दो चार पांच लाख रुपए लग जाएगा तब भी इतनी बढ़िया नहीं बनेगी क्योंकि उसमें बग्स होंगे ये ट्राइड एंड टेस्टेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऑनलाइन अपने कोर्सेज बेचने हैं जितने भी आप देखते हो ना इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स जो अपने ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हैं वो कैसे बेचते हैं आपको क्या लगता है वो वेबसाइट बनवाते हैं पूरी की पूरी नहीं वो एक प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं और उसके लिए उनको कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है मतलब पूरा स्ट्रक्चर बना होता है उसमें जा करके उसको सिर्फ डोमेन से कनेक्ट करना है जैसे शॉपिफाई में होता है yes, yes, yes. वैसे एक प्लेटफॉर्म जैसे टीचेबल वो ऑनलाइन डिजिटल कोर्सेज बेचने के लिए है जो खुद बेचना चाहते हैं उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है देखो, दोनों में फर्क को अच्छे से समझो एक है आप खुद अपना कुछ बनाना चाहते हो तो उसके लिए प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देंगे जिसके बेस पर आप अपना वो वेबसाइट तैयार कर सकते हो जैसे शॉपिफाई है ऐसे ही होटल इंडस्ट्री के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जो स्पेसिफिकली होटल इंडस्ट्री की नीड्स को समझते हैं और उनके लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देते हैं उनको आप यूज करो उसका एक्सेस उनको दे दो यानी उनकी टीम को उसका एक्सेस दो कि भाई अगर आपको अब कोई भी बुकिंग करनी है तो ऑनलाइन इसी वेबसाइट के थ्रू करनी है मान लो उस होटल का नाम है एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड होटल डॉट कॉम तो जो भी आपको बुकिंग मैनेज करनी है यहां से करनी है तो आप भी जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जिससे उसको कनेक्ट करोगे वो भी उसमें फीचर होगा या प्लग होगा अलग से जिसमें क्या होगा कि अब अगर किसी और वेबसाइट के थ्रू मान लो बुकिंग डॉट कॉम के थ्रू कोई बुकिंग आती है तो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम को अपडेट कर देगा आप समझ पा रहे हो ना टेक्निकली मैं क्या कह रहा हूं yes, yes. इस पूरी प्रोसेस में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा सब कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है बट एंड में जो पैसा आ रहा है वो भी आपको दिख रहा है जो खुद बुकिंग कर रहे हैं वो भी आपको पता है कि ये आपके यूजर नेम से हुई है लेकिन ये वाली यहां से हुई है यह वाली यहां से हुई है यह वाली यहां से हुई है तो जो अदर जहां से भी हुई है उस पर आपको दस परसेंट मिलेगा और बोलो जो आप डायरेक्ट कर रहे हो उस पर आपको मुझे कुछ भी नहीं देना है कौन मना करेगा यह बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपनी दुकान पर जितने का माल बेच रहे हो उसमें पूरा प्रॉफिट आपका हंड्रेड जो एडिशनल माल बिकेगा सिर्फ उसमें दस परसेंट मेरा कौन मना करेगा आप सोचो एक दिन का वो होटल चार्ज कर रहा है दो हजार रुपए उसके पास में कमरे हैं दस जिसमें से पांच वो खुद मैनेज करेगा पांच आपके थ्रू मैनेज होंगे तो अगर आपने इस तरह से मैनेज किया और मान लो पांच कमरों पे दो हजार रुपए, यानी हो गया वे दस हजार रुपए एक दिन का एक होटल से इसका दस परसेंट यानी कितना हो गया हजार रुपए, महीने का कितना हो गया तीस हजार साल का कितना हो गया तीन लाख साठ हजार रुपए इस तरह से अगर आपने दस होटल भी पकड़ लिए तो साल का कितना हो गया छत्तीस लाख बट मजे की बात क्या है एक से दस जाने में टाइम लगेगा दस से सौ जाने में टाइम नहीं लगेगा फिर सौ से हजार जाने में टाइम नहीं लगेगा तो ये अपने आप में एक अलग बिजनेस मॉडल है जो बहुत तेजी से स्केल हो जाएगा एक बार आपने इसको क्रैक कर लिया तो शुरू में दिक्कत आएगी बट एक बार आपने क्रैक कर लिया इस बिजनेस मॉडल को और ऑटोमेट कर दिया तो ये कितनी तेजी से स्केल हो सकता है कितने बड़े लेवल पे जा सकता है कोई लिमिट नहीं है